दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली में अब एक लेटर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, जिसका जिक्र आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोरों में किया जा रहा है। इसके जरिए आम आदमी पार्टी बीजेपी के षड्यंत्र का खुलासा करने का दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को तिहाड़ जेल में मारने की साजिशें रची जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि केजरीवाल को स्लो डेथ दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने रविवार को एक लेटर वाला सबूत दिखाया। उन्होंने दावा किया कि यह बीजेपी के षड्यंत्र का खुलासा है। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल के डीजी ने डॉक्टर के लिए एम्स दिल्ली को एक लेटर लिखा है। उस लेटर में उन्होंने पूरी सच्चाई होने की दावे किए हैं। मैं आज आपको एक ऐसा सबूत दिखाने जा रहा हूं जिससे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया, क्योंकि आज बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के साथी भी ये देख रहे हैं किस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है। ये कह रहे हैं हमारे स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को क्या दिक्कत है। ये मैं पत्र आपको दिखा रहा हूं, ये कल का पत्र है। ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबके सामने एक्सपोज हो गई। कल तक ये लोग कह रहे थे हमारे पास सारे स्पेशलिस्ट हैं, सब कुछ तो जेल में मौजूद है, अस्पताल है, क्लिनिक है, बेड है, इंसुलिन है, सब कुछ है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। कल तिहाड़ जेल के डीजी ने 20 दिन से इनके पास अरविंद केजरीवाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, सीवियर डायबिटिक हैं, रोज कह रहे हैं मुझे डायबिटोलॉजिस्ट से दिखवाइए, मुझे इंसुलिन की जरूरत है। एक साधारण डॉक्टर, मुझे नहीं मालूम वो कौन है और किस तरीके से वो जेल में है वहां पे, उसके कहने पे सारा मैनिपुलेशन किया जा रहा है और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को दवा नहीं दी जा रही। सवाल ये है कि इस लेटर पॉलिटिक्स में कितनी सच्चाई है? क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कोई षड्यंत्र रच रही है या आम आदमी पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं हर रोज ऐसे सवालों की केवल एक पॉलिटिक्स है? इस खबर पर अपनी राय आप कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।